आप देख सकते हैं हम होंडा सिटी ZXi का शॉक अप रिप्लेस करने वाले हैं, तो हम आपको इसको बताते हैं कि कैसे आप इसको रिप्लेस कीजिएगा। सबसे पहले तो देख सकते हैं नया शॉक अप है, ये हमारा जूना शॉक अप है। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है वो आपको दिखाते हैं। देखिए ठीक है फ्रेंड, एकदम धीरे धीरे ऊपर आता है जो इसको स्पीड में आना चाहिए, क्योंकि गैस फील्ड है फ्रेंड, तो ऑटोमेटिक इसको फास्ट में आना चाहिए, ऑयल फील्ड नहीं है। देख सकते हैं इसको भी हम आपको दिखाते हैं, ये नए का देखिए, देखिए कितना हार्ड है, ये देखिए फ्रेंड तुरंत आता है। ठीक है फ्रेंड, उसके नाम इसका रिप्लेस कर रहे हैं। इसका जो कैपेसिटी रहता है गाड़ी को लोड का, वो कैपेसिटी इसका ख़त्म हो गया है। जब तक जूने शॉकअप में क्या होता है, जब गाड़ी बैठता है तो रिटर्न ऑटोमेटिक फास्ट में नहीं आता है, इसके लिए हम इसका शॉकअप रिप्लेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, सबसे पहले तो फ्रेंड थोड़ा इसमें ग्रीस लगा दीजिएगा। ये ग्रीस क्यों लगाते हैं फ्रेंड, क्योंकि इसके नीचे कीट आता है, तो क्या होता है सूखा रस पड़ने से, वैसे गाड़ी का जब लोड आता है तो ये थोड़ा हार्ड जाने की वजह से कीट कट सकता है। इसके लिए हम ग्रीस लगा देते हैं यहाँ पे, कि जब ये जंप हो तो स्मूथली, मतलब अंदर बाहर दो तीन बार हो सके, किट कटे ना। इसके लिए हमने इसे ग्रीस लगा दिया है, और ये इसका हम शॉकअप किट जो है ये भी रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो बफर है अंदर आता है वो टूट चुका है। सबसे पहले तो स्प्रिंग दीजिए, शॉकअप का स्प्रिंग है ठीक है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं शॉकअप बफर है ये, इसको पहले इसके किट के अंदर बिठाना पड़ता है। ठीक है, प्रेस करके इसके अंदर प्रेस करना पड़ता है, तो ये इसका किट है। तो इसको इस पोजीशन में डाल लीजिएगा, और यहाँ से देखिएगा फ्रेंड, यहाँ से आपको इस तरह से आपको इधर लॉक कर देना है। ये देखिए इधर लॉकिंग सिस्टम है, इसके अंदर डालकर ऐसा घुमाने का है आपको। ये देखिए ऐसा घुमाएंगे तो आपका एक जगह पर लॉक हो जाएगा, ये देखिए लॉकिंग सिस्टम है। ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा, ये इधर लॉक कर दीजिएगा, ये आपका स्प्रिंग बैठ गया है। उसके बाद से इस पर आता है शॉकअप बैरिंग, ये इसका फ्रेंड देख सकते हैं जूना वाला बैरिंग है, जैसे तो पूरी तरह से दब चुका है, इसमें गैप आना चाहिए। ये इसका नया बैरिंग है, देख सकते हैं इसके अंदर कितना गैप है ऑलरेडी, ये साइड में ये इसका नया बैरिंग है, तो ये हम नया बैरिंग इसमें डालेंगे। और एक बात है फ्रेंड, तो हम आपको दिखाते हैं, कैमरामैन को नजर लाइए, ये देखिए ये हमारा शॉकअप का जो ये जो बैरिंग का खाँचा है बैठता है, ये प्रॉपर तरीके से ऊपर नहीं आया। तो आप सोचेंगे कि सामने लगा के इसको ऐसा लगा कर बफर लगा के फिट कर देंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा। ये हम आपको बताते हैं, इसको पूरी तरह से प्रॉपर नीचे लेकर थोड़ा हमें स्प्रिंग को और टाइट करना पड़ेगा। स्प्रिंग टाइट करके हम आपको दिखाते हैं, जब आपका ये जो शॉकअप का ये है जब पूरी तरह से प्रॉपर बाहर आ जाएगा, तो ये जो है इसके अंदर बैठ जाएगा आपका बैरिंग, शॉकअप के अंदर अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। फिर आप इसके ऊपर का माउंट डालकर और नट लगा सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे। तो टाइट कीजिए, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये हमने टाइट करके ये जो शॉकअप का ये बीच का हिस्सा देखिए ऊपर हमने ले लिया है, ताकि हमारा बैरिंग जो है परफेक्ट खाँचे में बैठ सके। ये देख सकते हैं प्रॉपर खाँचे में बैठेगा, ये देखिए कहीं भी गैप नहीं है। अगर आपने इसको प्रॉपर ऊपर नहीं लिया, अगर ये आपका नीचे है ये बीच का शॉफ्ट शॉकअप का, तो आपका क्या होगा, बैरिंग आड़ा टेढ़ा बैठेगा। तो इसके लिए प्रॉपर ऊपर ले लीजिएगा, ये देखिए हमारा बैरिंग कहीं भी गैप नहीं है, गैप नहीं रहना चाहिए किधर भी। तो ये हमारा बैठ चुका है, अब ऊपर का माउंट बिठाएंगे, या माउंट भी रिप्लेस कर रहे फ्रेंड, क्योंकि माउंट का हमारा झूला देख सकते हैं इसका क्या कंडीशन है, ये देख सकते हैं ये पूरी तरह से टूट चुका है, ये फट चुका है। इसके लिए हम इसका माउंट भी रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा शॉकअप असेंबली हो चुका है, आप देख सकते हैं नज़दीक से, ये देख सकते हैं हमारा बैरिंग पूरी तरह से प्रॉपर चिपका हुआ है। जब आप इसको बैरिंग को बिठाएंगे, देखिएगा कोई किसी प्रकार का कोई गैप ना हो, ठीक है, नहीं तो आपका बैरिंग क्रॉस हो जाएगा, और जब आप
सॉफ्टवेयर वायरिंग फिट करेंगे तो जब आप स्टेयरिंग लेफ्ट राइट मारेंगे तो आपका खरपुर खरपुर वाच करेगा। ये ब्रांड हमारा सॉफ्ट माउंट है, ये देख सकते हैं, ये भी हम रिप्लेस कर रहे हैं। इसके ऊपर से बैठता है इस प्रकार से, ये हमारा ये असेंबली हो चुका है। अब हमें कूलर को यूज करेंगे, बंद करें, इसका जो नट है इसको फाइनल टाइट कर देंगे, क्योंकि हमारा सॉकअप असेंबली हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा सॉकअप असेंबली हो चुका है। दोनों तरीका हमने आपको इसमें बता दिया है, तो सबसे पहले तो बैरिंग का जो प्रॉपर तरीके से बिठा दीजिएगा, और एक जो हमने आपको अंदर बताया है ये कट, जो कट के सामने रखिएगा आपका स्प्रिंग का, ये इसका कट है, यहाँ पे आपका लॉक हो जाना चाहिए। ये ऊपर का जो माउंट आता है स्प्रिंग, यहाँ पे ऑटोमेटिक दबा कर आप घुमाएंगे तो एक जगह लॉक हो जाएगा, बस वो लॉक पोजिशन पर रखिएगा। तो ये आज का हमारा वीडियो सॉकअप असेंबली का था। अगर आप फ्रेंड, ये हमारा सॉकअप असेंबली हो चुका है। अगर आज आपको हमारे सॉकअप असेंबली का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।